सभी डीएलएड साथियों का नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 9 बजे होती है। जैसे फ्रेंड्स, हम आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, कल हमने जितने भी इंग्लिश सब्जेक्ट का, या आप कह सकते हो इंग्लिश का जो टॉपिक है मेथड्स अप्रोच, तो कल हमने जितने भी मेथड्स थे, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, द डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ठीक है, बायलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड, ये जितने भी टॉपिक थे हमने आप सभी को एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया, ताकि आप बहुत ही आसानी के साथ याद कर सको। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अप्रोचेस, यानी टाइप ऑफ अप्रोच, जितने भी अप्रोच है उसके बारे में जानेंगे और आप बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अप्रोचेस मतलब होता है दृष्टिकोण, ठीक है, यानी किस किस प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन से अप्रोच होते हैं। तो चलता तो सबसे पहले इस तरीके से है, पहला आपका होता है इंटीग्रेटेड, उसके बाद होता है फंक्शनल, उसके बाद होता है कम्युनिकेटिव, उसके बाद होता है यहाँ पे सिचुएशनल, और उसके बाद से होता है स्ट्रक्चर। लेकिन याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, सबसे पहले अगर आप इस तरीके से जानेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ समझ के और कहानी के जैसे अगर आप इसको रिलेट करते हो तो बहुत ही क्लियरली आप सभी को मीनिंग पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में, उसके बाद सिचुएशनल, उसके बाद कम्युनिकेटिव, उसके बाद फंक्शनल, उसके बाद इंटीग्रेटेड। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये याद रखना है कि इतने सारे अप्रोच होते हैं जिससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर दिए, ताकि और भी जो फ्रेंड्स हैं वो जुड़ सके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब जैसे कि अगर मैं एक कहानी के थ्रू आप सभी को बताऊं कि आप डीएलएड कर रहे हो, ठीक है, डीएलएड कर रहे हो, तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर आपके मन में, आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर यानी किस तरीके से आप शिक्षक बनोगे, ये पूरा प्रक्रिया आपने सोचा कि अगर हम सबसे पहले डीएलएड 2 साल का कोर्स कर लेते हैं, फिर टीईटी, फिर यहाँ पर अगर हम सुपर टेट, उसके बाद जो है हमें शिक्षक की जॉब मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा जो शिक्षक बनने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो आपके मन में थॉट आता है, आप कह सकते हो कि इसके लिए सबसे पहले आपको एक डीएलएड कोर्स यानी 2 साल का डीएलएड कोर्स करना होगा, उसके बाद टेट करना होगा, उसके बाद से सुपर टेट करना होगा, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी, यानी आपको जॉब मिल गई और आप सभी को बधाई हो। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या बनाया, यानी स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी एक टीचर बनने का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे से जानकारी हो गई। अब देखिए, जब आपने एक शिक्षक बनने के लिए पूरा स्ट्रक्चर जान लिया कि किस तरीके से पूरा शिक्षक बनेंगे, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, अब जो सेकंड है वो है सिचुएशनल, यानी हमने सिचुएशनल अप्रोच पढ़ा भी था, यानी उसी से स्ट्रक्चरल अप्रोच से ही लिंक होता है, यानी आपको क्या करना है, उसी प्रकार से सिचुएशन क्रिएट करना है, यानी आप कह सकते हो कि एक शिक्षक का आप यहाँ पर एग्जांपल देंगे। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि बहुत लोगों का एग्जांपल दिया जाता है कि आप उनको देख सकते हैं, आप उनके तरह बन सकते हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम वैसा ही सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो आपको शिक्षक बनना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक शिक्षक की आप सभी को हम कहेंगे कि ये एक शिक्षक है जिन्होंने क्या किया, डीएलएड कोर्स किया, टेट किया, सुपर टेट किया, उसके बाद ये शिक्षक बने। तब क्या होगा कि एक सिचुएशन होगा, तो इससे क्या होगा, बहुत ही आसानी के साथ समझ में आएगा। अब ये आपका 2 टॉपिक क्लियर हो गया। आप देखिए, तीसरा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है,
तो देखिए, सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर जाना, उसी तरीके से सिचुएशन क्रिएट किया यानी शिक्षक बनने के लिए। अब कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी आप सबसे पहले क्या करेंगे, कम्युनिकेटिव यानी एक दूसरे लोग से आप बातचीत करने के लिए जाएंगे कि क्या हम इसको कर सकते हैं या नहीं, या किस तरीके से बनेगा। यानी कम्युनिकेटिव आपस में बात विचार होगा कि क्या हम शिक्षक बनते हैं तो अच्छा रहेगा या फिर बुरा। तो हम क्या अप्रोच, यानी ये किस में आता है, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, फंक्शनल अप्रोच क्या होता है। फंक्शनल अप्रोच में जो होता है कि हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं, यानी आप कह सकते हो कि अगर आप टीचर बन रहे हो तो आपको इसके लिए ट्रेनिंग भी करना होगा, और जिनसे आपने हेल्प लिया है यानी मिलजुल के आप कह सकते हो फंक्शनल। अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। उसके बाद इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब क्या होता है, सब कुछ एक दूसरे में आप कह सकते हो, जितने भी हमने स्ट्रक्चरल सिचुएशनल कम्युनिकेटिव यहाँ पे जो फंक्शनल, तो इसमें क्या होता है, हम इन सभी को एक दूसरे से मर्ज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर आप पूरा शिक्षक बनकर तैयार हो जाते हो। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आप सभी को कहानी बताया, इसके थ्रू आप सभी बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हो स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, सिचुएशनल अप्रोच क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है, फंक्शनल अप्रोच क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है। अभी जब हम सिचुएशनल या जितने भी डिफिनीशन देखेंगे, इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच, जिसको हम अदर नेम्स, यानी सबसे पहला लाइन तो आप सभी को यही याद रखना है कि हम इसको अलग नाम से भी जानते हैं, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच, या फिर आप याद कर सकते हो ओरल सिचुएशनल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच को। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये लाइन कह रहा है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट। यानी जस्ट मैंने अभी बताया कि ये जो आपका जो अप्रोच होता है, दृष्टिकोण होता है, यह एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है जिसमें हम किसी भी फंडामेंटल संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, उसको समझते हैं, एनालिसिस करते हैं और लॉजिकली उसको अरेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बोला कि आपके सामने तीन वर्ड्स दिया जाता है, जैसे हमने बोला कि ही इज, ठीक है, ही इज बैड, ही इज बैड, तो यहाँ पे ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। अभी मैं दे दूँ यहाँ पे इज, ठीक है, इज बैड ही, तो यहाँ पे इसका क्या है, स्ट्रक्चर जो है सही नहीं है। आप सभी को पता है कि जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, तो पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद से यहाँ पे वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी सेंटेंस का किस तरीके से स्ट्रक्चर है, उस पर एनालिसिस करते हैं, लॉजिकली उसको अरेंज करते हैं, यानी आप सिंपल कह सकते हो प्रॉपर ऑर्डर फॉर्म। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, यानी किस तरीके से होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, उसके बाद टीचेबिलिटी यानी पढ़ने योग्य होने चाहिए, प्रोडक्टिविटी होना चाहिए और लैंग्वेज हैबिट होने चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन के कुछ सिद्धांत हैं जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ केवल याद कर लीजिए, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स में हम अगर स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में जानेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है, कह रहा है कि इट लेज प्रॉपर एम्फोसाइज ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी ओरल और ओरल पे सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज जोर दिया जाता है, यानी सुनने और बोलने। उसके बाद देखिए द अप्रोच इन्वॉल्व सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, यानी इसमें सबसे पहले तो सिलेक्शन, किसी कोई भी दृष्टिकोण होता है उसमें हम मटेरियल को बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे मेरिट्स यानी स्पीच पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद देखिए जस्ट यही अभी हमने डिस्कस किया, केयरफुली सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बहुत ही ध्यान से किसी भी स्ट्रक्चर का ग्रेडेशन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। मीनिंगफुल सिचुएशन, यानी कोई भी अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होना चाहिए, जो भी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा अर्थपूर्ण होना चाहिए। क्रिएट इंटरेस्ट स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी को पता है जब इस तरीके से हम स्ट्रक्चरल अप्रोच सब कुछ बहुत ही अच्छे से करके बताते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, तो
इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डी मेरिट्स आता है, डी मेरिट्स में हायर क्लास नॉट गुड, यानी जो आपका स्ट्रक्चर अप्रोच होता है यह हायर क्लास में सूटेबल नहीं है। इसमें ग्रामर को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरा रहा आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच, क्योंकि सुनने और बोलने पर बेस्ड होता है, उतना ग्रामर को इसमें अहमियत नहीं दिया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड जो है वो है सिचुएशनल अप्रोच, यानी स्थिति परक दृष्टिकोण। जैसे कि हमने आप सभी को बताया था कि किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिचुएशन वैसा ही क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमने, आप कह सकते हो कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को अज्यूम करता है, जैसे कि वो बैड टॉपिक पर पढ़ा रहा है। ठीक है, बैड टॉपिक पे पढ़ा रहा है तो क्या करेगा कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे क्या करेगा कि बैट को पूर्ण रूप से बनाकर बताएगा कि हाँ ये बैट है और इससे क्रिकेट मैच खेला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो शिक्षक करता है, तो अज्यूम करता है दिखाकर और स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। लेकिन सबसे पहले इसमें एएस हॉर्नबी ने कुछ स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि यूज़ द टर्म सिचुएशनल अप्रोच इन द टाइटल ऑफ अ पॉपुलर सर्विस ऑफ आर्टिकल पब्लिश इन ईएलटी 1950, यानी जो ईएलटी पब्लिश हुआ था 1950 में, उसी में सिचुएशनल अप्रोच जो है, आप कह सकते हो इसका प्रयोग या इसका जो टाइटल नाम है वहीं से इसका मतलब पॉपुलर या पब्लिश्ड हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है, द अप्रोच सजेस्ट दैट एनी लैंग्वेज आइटम वेदर इट इज स्ट्रक्चर और वर्ड शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इज आइसोलेशन, यानी यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी, अगर कोई भी दृष्टिकोण है तो यहाँ पर ऐसा सजेस्ट नहीं करना चाहिए कि आप केवल स्ट्रक्चर को वैसे ही अलग अलग वर्ड को अलग बता दो। मतलब इसको क्या करना है, बहुत ही अलगाव तरीके से नहीं करना है। किसी के सामने अगर आप प्रस्तुतिकरण कर रहे हो तो अलग अलग नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो देखिए नीचे लाइन कह रहा है कि इट हैज़ टू बी इंट्रोडक्ट एंड प्रैक्टिस इन अ कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, यानी किसी भी, अगर आप कुछ भी प्रस्तुत कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा उसी प्रकार से सिचुएशन होना चाहिए और उसी पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप यहाँ पे सिचुएशनल अप्रोच को याद करना चाहती हो तो एक लाइन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, किसी लाइन को याद करो या ना करो, लेकिन आप इसको ज़रूर याद कर लेना, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ ऑफन कॉम्बाइंड विथ सिचुएशनल अप्रोच। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है, अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछता है तो इसको आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ऑफन कॉम्बाइंड विथ सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिचुएशनल अप्रोच खत्म हो गया। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कम्युनिकेटिव अप्रोच, जस्ट मैंने अभी बताया कि एक दूसरे से बातचीत करना, अदर नेम्स, यानी द हम इसको यहाँ पे हम फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल नेम से भी और नोशनल नेम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस कम्युनिकेटिव अप्रोच का जो मीनिंग हो जाता है, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग लैंग्वेज सक्सेसफुली कम्स थ्रू हैविंग टू कम्युनिकेट रियल मीनिंग। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी भी, यानी जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है, ये इस पे आइडिया पे आधारित होता है, यानी जो सीख रहा है उसमें सफलता पाने के लिए एक कम्युनिकेटिव का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम अपने, अगर आपके घर या आपके घर कोई भी मेहमान आ जाता है, ठीक है, तो जो आपकी मातृभाषा होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप भोजपुरी में बोल रहे हो या हिंदी में बोल रहे हो, तो आप उनसे बहुत ही आसानी के साथ बातचीत कम्युनिकेट कर सकते हो, तो उसमें आप सभी को सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर हम वही बात करें कि अगर आपको सेकंड लैंग्वेज में किसी दूसरे पर्सन से बात करना है, यानी वो पर्सन आपकी लैंग्वेज नहीं जानता है और आप उसकी लैंग्वेज नहीं जानते हो, तो इससे क्या होता है कि जो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है और जो आपका बातचीत होता है वो मतलब
एक आप कह सकते हो कि अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो कम्युनिकेटिव यानी उसमें एक कॉन्फिडेंस लाना बहुत ही ज़रूरी है कि हाँ ये अगर आप सीख रहे हो तो क्या उसमें आपको सफलता मिल पा रही है या नहीं। उसके बाद देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर टीचर यानी एक टीचर के लिए क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए और टीचर मेन रोल यानी इसमें जो टीचर की होती है बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि जो टीचर होता है हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, जो कुछ भी उनकी गलती होता है उनको क्योंकि कम्युनिकेट यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस टीचर से जिस तरीके से मैंने डीएलएड से रिलेटेड जिस तरीके से कहानी बताया कि क्या ये हमारे लिए सही है या उचित है, हम किस तरीके से करें या ना करें, तो उसी प्रकार उसमें एक टीचर की भूमिका होती है जो सजेस्ट करता है स्टूडेंट्स के लिए क्या सही है और क्या गलत। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो लेसन आर यूजली टॉपिक और देम थीम बेस्ड यानी जो भी टीचर किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहा है तो वो उसी के सिलेबस से होना चाहिए न कि उसके सिलेबस से बाहर। उसके बाद देखिए इम्फोसाइसिस ऑन इंगेजिंग लर्नर्स इन मोर यूजफुल यानी इसमें सबसे ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा जो यूजफुल है उसी पे जोर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरिट्स के बारे में जानते हैं कि इसके मेरिट्स कौन कौन से हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट जो लाइन कहता है द इंट्रैक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रैक्शन यानी एक टीचर और स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जस्ट मैंने अभी आप सभी को बताया कि जो स्टूडेंट्स होता है वो अपने आप को सफलता पाने के लिए टीचर से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो इसलिए जो भी उसमें गलती होती है वो टीचर क्या करता है सुधारता है। सेंटर लर्नर यानी जो भी सीखता है उसी पे केंद्रित होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। फोकस ऑन मीनिंग यानी सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है अर्थों पे किया जाता है। उसके बाद देखिए इट कवर टारगेट लैंग्वेज एज वेल मदर टंग यानी इसमें सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि टारगेट लैंग्वेज तो कवर होता है यानी आप मदर टंग से रिलेट करके टारगेट लैंग्वेज को बहुत ही आसानी के साथ कवर कर सकते हो। उसके बाद देखिए कवर्ड ऑल स्किल्स, आप सभी को पता है स्किल्स में चार स्किल्स आ जाते हैं लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग यानी ये जो चारों स्किल्स होते हैं ये कवर होते हैं। टीचर मोटिवेशनल, जस्ट मैंने अभी बताया कि जो टीचर होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशनल या आप कह सकते हो ट्रेंड स्किल्स टीचर चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो स्टूडेंट्स को जो भी सही कमी कुछ भी है तो उसको बताने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके मेरिट्स हैं। अब देखिए फ्रेंड्स जो फोर्थ और फिफ्थ है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि इससे उतना सवाल नहीं पूछता है। फंक्शनल अप्रोच इसमें क्या होता है पार्टिसिपेट विथ अदर थिंग्स यानी जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हम इंग्लिश सीखते हैं, जब हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम ग्रामेटिकल यानी किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, फिर हम क्या करते हैं उसमें जितने भी कह सकते हो कि हम नाउन प्रनाउन ये जितने भी हैं मतलब इसी में हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या होता है जो होता है फंक्शनल अप्रोच। और इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होता है टू मर्ज ऑल द थिंग्स यानी जितने भी आपके हमने ग्रामर पढ़ा स्ट्रक्चर पढ़ा ये जो कुछ भी पढ़ा उन सबको हम एक साथ ऐड कर देते हैं मर्ज कर देते हैं। तो जिस तरीके से आप सभी को हमने कहानी के थ्रू बताया था कि अप्रोच क्या होते हैं जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ समझ गए होंगे कि अगर आपको डीएलएड कोर्स करना है तो सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले आपको डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है, उसके बाद टेट करना होता है, उसके बाद सुपर टेट करना होता है, तो फिर आप शिक्षक बनोगे। शिक्षक तो चलिए आप सभी को एक स्ट्रक्चर मालूम हो गया, अब उसके बाद क्या करना होता है कि क्यों मतलब हम क्यों बने इसके लिए एक सवाल भी तो होना चाहिए। स्ट्रक्चर तो मालूम हो गया लेकिन हम क्या करें कि इसमें और ज़्यादा कह सकते हो बनने के लिए जो इच्छा है वो और ज़्यादा बढ़े। तो जो शिक्षक होता है वो वैसा ही सिचुएशनल बनाता है कि जैसे मैं शिक्षक हूँ तो वो अपने आप को क्या करता है वहाँ पर प्रस्तुत करता है और अपना एग्जांपल देता है। अब कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी जो स्टूडेंट्स होता है या जैसे फॉर एग्जांपल आप हो तो किसी न किसी जब आपने डीएलएड किया होगा तो उस टाइम किसी न किसी से ये सजेशन ज़रूर लिया होगा कि क्या ये सही है या फिर गलत है, किस तरीके से क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, आप इस पर कम्युनिकेट करेंगे और कहेंगे क्या हम इस पर सफलता मिलेगी या फिर नहीं। उसके बाद क्या करेंगे फंक्शनल
अप्रोच, यानी आप क्या करेंगे इसके लिए जो भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण होता है ये सब कुछ करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी जितने भी आपने डीएलएड कोर्स किया, आपने टेट किया, तो ये सब कुछ सुपर टेट करके आप क्या करते हैं, एक शिक्षक की नौकरी मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा, और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे मैंने आप सभी को इसमें बहुत ही आसानी के साथ क्लियर कर दिया है। अब टाइप ऑफ अप्रोच से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे या फिर मेथड से कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने कवर किया टाइप ऑफ अप्रोच। टाइप ऑफ अप्रोच कितने होते हैं, स्ट्रक्चरल, सिचुएशनल, कम्युनिकेट, फंक्शनल, इंटीग्रेटेड। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।